आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। भजन संहिता 33 उसका 18 पद में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, देखो यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर अपनी दृष्टि हमेशा हम पर लगाए रखता है जो उससे प्रार्थना करते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उनकी आशाओं को पूरी करता है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु, आज की शाम के लिए धन्यवाद प्रभु जी कि प्रभु आप आज की शाम में प्रभु हम हर एक जन को प्रभु तेरी उपस्थिति में रखते हैं। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सब को तेरी मौजूदगी में लाते हैं प्रभु। और पिता जितने भी लोग प्रभु हमें मैसेजेस फोन कॉल्स करते हैं प्रभु, उन सब की आप सुधि ले प्रभु, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर आप उनको दें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, सच में हम आपकी तारीफ आपकी बड़ाई करते हैं यीशु। प्यारे खुदावन, आप हर एक की आशाओं को पूरी करें प्रभु, आप हर एक की विनतियों को और निवेदनों को सुने परमेश्वर, हर एक की सुधी परमेश्वर आप ले परमेश्वर पिता। आपसे दुआ है हर एक के लिए परमेश्वर पिता कि हर एक के परिवार पर प्रभु आपका आशीष हो, हर एक की आशा परिवार में प्रभु, न जाने किस प्रकार की आशाएं लोगों के अंदर होती हैं, उन सब आशाओं को आपके सम्मुख लाती हूँ कि आप उन आशाओं को पूरा करें पिता परमेश्वर, आप उनके मनोरथों को पूरा करें प्रभु। जो आशा आप में हम लगाए रहते हैं प्रभु पिता, वो हमेशा बनी रहती है यीशु। हम धन्यवाद, आपकी करुणा हमेशा हर एक के ऊपर बनी रहे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हम आपसे दुआ करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु, जो लोग अपनी शादी की आस तुझ पर लगाए हैं प्रभु, कि आप उनके जीवन में एक राइट लाइफ पार्टनर को देंगे प्रभु, आप उनकी आशाओं को पूरा करें प्रभु आज के दिन में। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए तुझ पर आश लगाए हैं प्रभु यीशु, आप उनकी बीमारियों से उन्हें ठीक करें। जो अपने कारोबार में वृद्धि होने के लिए प्रभु तुझ पर आस लगाए हैं प्रभु, आप प्रभु जी अपने करुणामय हाथ को बढ़ाइए और उनकी आशा को पूरी कीजिए प्रभु जी। जो अपने बच्चों के लिए प्रभु उनके गलत संगति से निकलने की आस लगाए हैं प्रभु, आप उनके आशाओं को पूरी करें प्रभु, उन्हें निराश ना होने दें वरन उनकी आशाओं को आप पूरी करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे दुआ है प्रभु कि जो लोग प्रभु जी अपने प्रभु परमेश्वर रिश्तों में प्रभु जी गड़बड़ियां जिनके जीवन में है प्रभु, और पिता वो अपने रिश्तों को सुलझाने की आस में लगे हैं प्रभु, आप उन आशाओं को पूरी करें, आप के रिश्ते को बनाए प्रभु जी। प्रभु जी जिनका रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच गया है यीशु मसीह, होने दीजिए प्रभु, जिसको आपने जोड़ा है उन्हें कोई ना तोड़े प्रभु पिता यीशु, आप उनकी आशाओं को टूटने ना दें, आप उनकी आशाओं को बनाए और अपनी दया को अपनी करुणा को अपने उनके ऊपर रखें प्रभु, उनके जीवनों को बचाए, उनके रिश्तों को बचाए प्रभु। यदि प्रभु किसी को भी प्रभु गलत आरोप में प्रभु जी कुछ केस उनके ऊपर चल रहा है प्रभु, वो तुझ पर आस लगाए बैठे हैं प्रभु कि आप इन सारी गलत बातों से उन्हें निकालें, यीशु मसीह आपसे प्रार्थना है प्रभु उनकी आशाओं को आप पूरी करें प्रभु। यदि कोई आज के दिन में निराश है प्रभु और पिता परमेश्वर कोई भी बात उन्हें खाई जा रही है प्रभु, यीशु मसीह आप उन निराशा को उनकी आशा में बदल दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर जो अभी प्रभु निर्बल महसूस कर रहे हैं प्रभु पिता, वो उन्हें आप अपनी करुणा दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु जी कि प्रभु जी हर एक की आशाओं को प्रभु आप पूरी करें, हर एक बुजुर्ग को आप संभाले प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु जो अपने जॉब के लिए प्रभु आस लगाए बैठे हैं, उनकी जॉब में परमेश्वर आप आशीष दें, आप उन्हें और अच्छा जॉब दें प्रभु, उनकी आशाओं को पूरी करें परमेश्वर पिता। प्रभु जी जो प्रभु जी अपने बच्चों की संतान की आशीषों को चाहते हैं प्रभु जी और वो संतान की आस लगाए बैठे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु गर्भ की आशीषों को उन्हें दें, उनकी आशाओं को आप पूरी करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।